जैक कर्मचारियों की दीपावली भी सन्नाटे में है। 350 कर्मचारियों के घर पसरा है सन्नाटा। लगातार दूसरे महीने जैक कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला। जैक अध्यक्ष की नियुक्ति ना होना हो पाने की वजह से वेतन लटका हुआ है। शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी अजय लाल, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। अजय, देखिए, जैक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गई और इसका खामियाजा जैक कर्मचारियों को उठाना पड़ रहा है। ये फेस्टिव सीजन, त्योहार का मौसम, और इस मौसम में लगातार दूसरे महीने पगार नहीं मिलना, कैसे मनाएंगे वो दीपावली? रौनक कैसे आएगी उनके घरों में बगैर पगार, बगैर वेतन के? बिल्कुल, देखिए, पूरी तरह से शिक्षा विभाग की लापरवाही है। जैक अध्यक्ष 14 सितंबर को ही रिटायर कर गए। कायदे से जब तक नियुक्ति नहीं होती है जैक अध्यक्ष की, तब तक किसी को प्रभार दिया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैक एक स्वायत्त संस्था है, यानी कि वो सरकार से एक पैसा नहीं लेता है। जाहिर सी बात है, आज की तारीख में जैक के खाते में 650 करोड़ रुपया जमा है। इसी खाते से जैक अपने कर्मचारियों को वेतन वगैरह देता रहा है, लेकिन एक सिर्फ टेक्निकल गलती हुई है, टेक्निकल लापरवाही है। जैसे ही जैक के चेयरमैन रिटायर किए, कायदे से किसी को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए थी, नहीं भी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए थी, तो कम से कम मौजूदा जो सचिव है उनको ये वित्तीय प्रभार दिया जा सकता था कि आप कम से कम अपने कर्मचारियों को, अधिकारियों को वेतन देने का अधिकार आपको दिया जा सकता है। लेकिन ये दूसरा महीना है, दशहरा इनका सन्नाटे में गुजरा और आज दीपावली में जैक के 350 कर्मचारियों के घर पे सन्नाटा पसरा हुआ है। ये पूरी तरह से कह सकते हैं कि शिक्षा विभाग की लापरवाही है कि 350 कर्मचारियों के घर पर दीपावली जैसे त्योहार पर सन्नाटा है। बिल्कुल, और देखिए, कोई पहल भी नहीं की गई। लगातार ये मांगे हो रही थी, बावजूद इसके कोई पहल भी नहीं की गई कि त्योहार के पहले इनका पेमेंट एटलीस्ट क्लियर कराया जाए, और अब बगैर वेतन के ही इनका दूसरा महीना भी निकल गया। बिल्कुल, देखिए, दीपावली ही नहीं बल्कि इनका छठ पर्व भी ऐसे ही गुजरेगा। जाहिर सी बात है, जैक के कर्मचारी कुछ बोल नहीं पाते। न्यूज 11 की टीम जब जब इस प्रकार की खबर दिखाती है, जैक के तमाम कर्मचारी ऑफ द रिकॉर्ड न्यूज 11 की टीम को बधाई देती है, लेकिन ये ऐसा मामला है जिस पर की पूरी तरह से चारों तरफ अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जैक के अध्यक्ष 14 सितंबर को रिटायर हो गए, जैक के उपाध्यक्ष 14 सितंबर को रिटायर हो गए, लेकिन उसके बाद से कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई, जिसकी वजह से कोई भी ऐसा अधिकारी जैक में नहीं है जो कि वेतन वाले फाइल पर साइन कर सके। परिणाम ये हो रहा है कि दशहरे के मौके पर इन्हें वेतन नहीं मिला, और दीपावली के मौके पर भी ये लगातार दूसरा महीना है जब कर्मचारियों को वेतन के दर्शन नहीं हुए। उनके परिवार की क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। अभी तक जबकि जैक में 80% कर्मचारी अनुबंध पर काम करें, इनका वेतन मार्च 12,000-14,000 के आसपास होता है, इसकी आप समझ सकते हैं कैसे वेतन मिलेगा, कौन देगा, कब देगा, कहना मुश्किल है। जी शुक्रिया अजय, तमाम जानकारी के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।